हम बताते हैं आज किस कि हमें किसी भी ब्लैंक चेक या कैंसिल चेक, पर्टिकुलर जो चेक नंबर है उसको ब्लैंक कैसे देना है, किसी को ब्लैंक चेक पे करते हैं या किसी चेक को कैंसिल्स में डालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो बैंकिंग ऑप्शंस में, बैंकिंग ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि चेक रजिस्टर जो हमारा है वो अवेलेबल है तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ पेमेंट अवेलेबल चेक्स 38 हैं और 38 को जैसे हमने इंटर किया स्पेस करके तो सेलेक्ट करके तो ये दिखने लगा कि ये हमारे पास अवेलेबल चेक हैं और दो चेक्स हमने ये रिकनसाइल हो चुके हैं। बाकी जो अवेलेबल हैं जैसे हमारे पास ये 24 नंबर का चेक अवेलेबल है और इसको हमें क्या करना है, स्टेटस इसका डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होता है, F11 से जो ब्लैंक चेक देते हैं उसके लिए F11 से एक यूज रिवर्स एंड जनरल्स वाला ऑप्शन यस और ये वाला अदर फीचर्स, ये ऑप्शंस अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स को यस करना होता है। इन दो ऑप्शंस को यस करेंगे और जब यहाँ वापस आ जाएंगे, पहले ऑप्शन यस नहीं था, अब जो अवेलेबल में क्लिक किया कि अवेलेबल है, 24 नंबर की चेक हमें क्या करना है, ब्लैंक चेक देना है किसी पर्सन को। तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, पहले ये सेलेक्ट हो गई स्पेस करने पर और इसके बाद करेंगे Alt+A। जैसे ही Alt+A करेंगे यहाँ पे आ जाएगा ब्लैंक चेक। तो हमें क्या करना है कि ब्लैंक चेक को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हमने ब्लैंक चेक को सिलेक्ट किया हमारा डायरेक्ट पेमेंट वाउचर्स खुल गया और वहाँ पे ऊपर दिख रहा है जो क्या दिख रहा है, ब्लैंक चेक ऊपर जो उसमें दिख रहा है कि ब्लैंक चेक। अब ब्लैंक चेक किसको दिया है, किसी पार्टी को दिया है, अगर किस पार्टी को दिया है किसी टाइप से तो हमने क्या कर दिया कि इलेक्टेड जो किसी भी पार्टी को देना है या किसी पार्टी या किसी इंटरेस्ट वाले को, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे एक पार्टी को देना है, उस पार्टी का नेम यहाँ पे क्या किया, ब्लैंक चेक हमने राजन कंपनी को प्रोवाइड कर दिया। और जैसे ही ब्लैंक चेक पे क्लिक ये हो गया, अमाउंट हमें यहाँ पे क्या रखना है, जीरो रखना है, क्योंकि अमाउंट में क्या है, ये देखिए अमाउंट में हमें जीरो रखना है क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, ब्लैंक चेक। तो ब्लैंक चेक में ये चेक नंबर हमारा ये दिखा रहा है किस डेट पे हो रहा है, ये हमारी चेक का नंबर है और ये जो चेक है ये क्या हो रही है, इस पर्सन को एलोकेट हुई है। यानी कि यहाँ पे ये दिखने लगेगा कि ये हमने क्या किया है, राजन कंपनी को पेमेंट किया है, लेकिन कौन सी चेक है, 24 नंबर की क्या है, ब्लैंक है। अब इसी तरह अगर हमें किसी चेक को, ये जो 30 नंबर की चेक है ये किसी कारणवश हो गई है तो इसको हमें क्या करना है, अवेलेबल है दिखा रहा है स्टेटस, अगर स्टेटस अवेलेबल नहीं होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ स्पेस करके सेलेक्ट करेंगे, Alt+A करेंगे और क्या करेंगे, कैंसिल चेक में दिखाना है कि रीजंस क्या था उस कैंसिल करने का, क्या डेट थी। तो रीजंस में दिखा दिया नॉट सफिशियंट बैलेंस या इस कारण से भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि नॉट सफिशियंस इस कारण से क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे दिखने लगा कैंसिल चेक, किस डेट पे चेक कैंसिल हुई है वो दिखाने लगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं किस पे, बैंकिंग में, कि हमें किसी को ब्लैंक चेक देना है, किसी की रिकनसाइल है, अनरिकनसाइल है, ये सारा यहाँ पे दिखेगा इस तरह से। कौन सी फीचर्स में है ये बैंकिंग फीचर्स में, चेक रजिस्टर्स और बैंक रिकनसाइल।